बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और सारे ही करिकुलम को ये कवर करता है, बेसिकली एनसीईआरटी से अडेप्टेड है। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, कर्व्स क्या होते हैं, कर्व्स की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलीगंस की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे अच्छे से, पॉलीगंस को क्लासिफाई किया गया है दो फॉर्म में, कॉन्वेक्स कॉनकेव, और एंगल्स हम प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की ओर चलते हैं, कर्व्स क्या होते हैं। ऐसा एक फिगर जिसको ट्रेस किया जाए बिना पेन उठाए, बस वही कर्व होता है। जैसे मैंने ये ट्रेस कर दिया बिना पेन उठाए, ये कर्व हो गया। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, पर कर्व्स सारे फिगर्स जो आप पढ़ते हो जो कि क्लोज्ड होंगे, जिनको पेन नहीं उठाया है हमने और बनाए गए हैं, तो वो होते हैं कर्व्स। तो कर्व्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन कर्व और एक होते हैं क्लोज्ड कर्व। तो हम लोग ओपन कर्व देखते हैं। इनमें क्या होता है, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करो और उस पॉइंट पे चल के दोबारा नहीं पहुंचो, तो वो होते हैं ओपन कर्व। जैसे हम यहां देख रहे हैं, ये खुला हुआ है। अगर जिस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा, उस पॉइंट पे दोबारा मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। और क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, जिस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं, घूम के वापस उस कर्व में उसी पॉइंट पे पहुंच जाता हूं। तो सारे फिगर्स आप जो देख रहे हैं, ये क्लोज्ड कर्व है। कोई भी पॉइंट पे आप घूम के दोबारा पहुंच सकते हो, तो ये होते हैं क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इंटरसेक्ट कर जा रहे थे अंदर, पर यहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो बेसिकली हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड कर्व है जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, राइट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये है पॉलीगन। तो ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे आपके पॉलीगन हैं। तो जैसे ट्रायंगल है, ये एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, पेंटागन, हेक्सागन, हेकागन, सारे ये पॉलीगन। ये हम लोग पॉलीगन को क्लासिफाई करते हैं पहले इनके नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे। ओके, तो वी कैन क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव। और अगर तीन साइड्स हैं तो आपको पता है हम उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तीन साइड्स हैं और तीनों साइड अगर इक्वल है। ओके, अगर फोर साइड्स हैं तो वो हो जाएगा स्क्वायर, राइट, और फाइव साइड्स हैं अगर तो वो हो जाएगा पेंटागन। ओके, और सिक्स साइड्स हैं तो हेक्सागन, सेवन साइड्स हैं तो हेप्टागन, एट साइड्स हैं तो ऑक्टागन, और नाइन साइड्स हैं नोनागन, और फिर टेन साइड्स हैं डेकागन। ओके, तो ये आपको प्रीफिक्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, राइट। पेंट का मतलब होता है फाइव, हेक्स का मतलब होता है सिक्स। कहीं भी मैथ्स में आइए, केमिस्ट्री में भी आएगा, हेक्सागन एक बेंजीन होता है तो वो हेक्सागन शेप का होता है। हेप्ट होता है सेवन, ऑक्ट होता है एट, नॉन होता है नाइन, और डेक होता है टेन, डेक, राइट। और डेसिमल नंबर सिस्टम अगर हम देखें तो ये भी जो डेक आ रहा है, ये यहाँ पे टेन का मीनिंग था। ओके, अब इनके एंगल्स हम लोग एंगल्सम प्रॉपर्टी की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे बस आपको देखना है कितनी साइड्स थी। ओके, तो ऐसे हम लोग पॉलीगन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। डायगनल क्या होता है, डायगनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस पॉलीगन की करके बनाया गया है। कैसे, देखो, जैसे मैं अगर ट्राइंगल लू, इसकी वर्टिसेस ये हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने ये वाली वर्टिस ले ली और ये वाली वर्टिस ले ली, इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो ये तो साइड ही आ गई, तो ट्राइंगल में कोई डायगनल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस लेनी है, मान लो इसकी, ये एक स्क्वायर है, इसकी चार वर्टिसेस है, तो इसकी अगर मैं ये वाली वर्टिस उठा लू और ये दोनों छोड़ दू, और फिर ये, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगी, तो उसके अलावा ये होगी, और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दू, तो ये जो लाइन आती है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं डायगनल। ऐसे ही अगर मैं पेंटागन उठाऊं, तो इसके आजू बाजू वाली कॉन्सिक्यूटिव वाली वर्टिसेस छोड़ दूं और बाकी बची हुई को अगर ज्वाइन कर दूं, तो ये जो आए मेरे पास, ये आ गए पेंटागन के डायगनल। तो डायगनल ऐसी लाइन है जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ के बनाई गई है। अब हम पॉलीगन को एंगल के बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ओके, कॉन्वेक्स में हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होगा, याद रखना, ईच एंगल यहां बोला गया है, ईच एंगल। कॉनकेव में एटलीस्ट एक भी एंगल अगर 180 डिग्री के बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन, राइट। तो हर एक एंगल अगर 180 डिग्री से कम हो तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन,
कोई एक भी एंगल अगर 180 डिग्री के ऊपर चला गया तो इसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। ओके, केव, राइट? केव में अगर मुझे घुसना है उसका मुंह ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो कोई केव है तो जितना बड़ा दरवाजा होगा तो उतना आसानी से मैं उसके अंदर जा पाऊंगा, तो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होगा, ये सारे हमें पढ़ने हैं, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हर एक का एंगल आप अगर पाओगे इंटीरियर एंगल तो ये आप पाओगे 180 डिग्री से कम। ठीक है, अब ये एक फिगर है, इसका आप हर एक एंगल 180 डिग्री के अंदर तो पाओगे, पर ये वाला एंगल 180 डिग्री के बाहर चला। कैसे मुझे पता चला, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो ये एक्सीड कर जा रहे हैं साइड, राइट? यहाँ कहीं भी स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों साइड्स स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आ रही है, राइट? इसलिए आपको ये सर्कल यहाँ पे बनाया भी हुआ है। पर यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये साइड देखो स्ट्रेट लाइन के नीचे चली गई ये साइड, तो 180 डिग्री से ज्यादा हो। ओके, तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, केव ज्यादा से ज्यादा बड़ा मुंह होगा तो 180 डिग्री से ज्यादा, और यहाँ पे हर एक एंगल होगा 180 डिग्री से कम, एक भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इक्वल साइड होनी चाहिए और इक्वल एंगल होना चाहिए, ठीक है? कोई भी फिगर पॉलीगन क्या होता है, कोई भी फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हो, जिसकी इक्वल साइड हो और हर एक एंगल इक्वल हो, वो हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, अगर ये रेगुलर है तो इक्वल साइड्स होंगी, एंगल भी है रेगुलर, जिसकी इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक मैच द कॉलम करते हैं, तीन फिगर्स आपको दी गए हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली बात आपको बतानी है कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन है, सिंपल क्लोज फिगर है, पॉलीगन है भी या नहीं। तो अगर मैं बीच वाले की बात करूं, आप देखो यहाँ पे कर्व आ रहा है, इजंट इट? स्ट्रेट लाइंस पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ है, ठीक है? तो ये तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये पॉलीगन नहीं है। क्या फर्स्ट वाला पॉलीगन है? ऑब्वियसली ये पॉलीगन है। क्या ये फर्स्ट वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व है? हाँ है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, जरूरी नहीं है कि इसमें कर्व ही हो, इजंट इट? स्ट्रेट लाइंस है, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये, ठीक है? अब फर्स्ट वाला अगर आप देखो और एंगल यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ये वाला एंगल ये 180 डिग्री से ऊपर हो गया, तो एक भी एंगल 180 डिग्री से ऊपर हो गया, ये हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। इसी तरीके से अगर आप आखिरी वाला देखोगे, ये क्या होगा, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम ही, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करके देखो या ऐसे भी अलग ही दिख रहा है, तो आखिरी वाला 180 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये वाला हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन, और तीनों के तीनों सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। हम लोग इस स्लाइड के चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड को देखने जा रहे हैं, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने के पहले मैं आपको बता दूं, दो टाइप के एंगल होते हैं कोई भी फिगर में, पहला होता है इंटीरियर एंगल, दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल। ऑब्वियसली अंदर होगा वो होगा इंटीरियर एंगल, जो बाहर होगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल। अंदर वाले एंगल कौन से, ये जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं रेड कलर से मार्क है, एक्सटीरियर एंगल, ये सारे बाहर वाले एंगल जो बाहर के लाइन सेगमेंट से बने हुए, ठीक है? हमें क्या पढ़ना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। 10 बार इसको पढ़ लो कैसे भी करके, ठीक है? एन क्या है, यहाँ नंबर ऑफ साइड है, पर आप याद रख लो एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। कुछ भी नहीं सोचना है, कोई भी पॉलीगन होगा उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल का एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। एक एंगल कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर वाला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, हर एक एंगल कैसे निकलेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंग, और हर एक इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हर बार लीनियर पेयर बनाएंगे, तो इसलिए 180 डिग्री माइनस मैं एक्सटीरियर एंगल कर दूंगा तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक ही फॉर्मूला मेन है, वो है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री, हर एक एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा मेरे पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, जो कि यहाँ पे मॉड, ठीक है? तो हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे पेंटागन,
मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स मुझे साफ साफ दिख रहा है, एक इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, है ना, तो आराम से मेरे पास एक्स आ जाएगा। नहीं भाई, इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल में लिख लूंगा n-2 180 डिग्री। मेरे पास n यहाँ पे 5 है क्योंकि 5 साइड्स है मेरे पास, तो 5-2 180 डिग्री मेरे पास आ जाएगा, 3 180 डिग्री डायरेक्ट आ जाएगा 540 डिग्री। प्रेजेंटेड हर एक एंगल आ जाएगा मेरे पास 540 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 108 डिग्री। ओके, तो ऐसे करके आप निकाल, आप एक्सटीरियर एंगल वाले की मदद से भी इसको निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? देखो, एक्सटीरियर एंगल सारे हो जाएंगे 360 डिग्री, तो एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा मेरे पास 360 डिग्री बाय 5, राइट? तो एक्सटीरियर एंगल एक आ जाएगा 360 डिग्री बाय 5, इजंट इट? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 72 डिग्री। 360 अपॉन 5, 72 डिग्री। पर मुझे तो ये एक्स चाहिए ना, मुझे तो ये एंगल चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस 72 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करूंगा मैं, यहां पे एक एंगल दिया हुआ है मेरे पास 90 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, बाकी एंगल्स मुझे दिए गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर मैं लिख सकूं तो मैं लिखूंगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, काट दो जो जो होते जा रहे हैं, प्लस 90 डिग्री, इसको भी काट दो, प्लस एक्स प्लस 70 डिग्री, इजंट इट? ये हो जाएगा मेरे पास 360 डिग्री के बराबर, राइट? 90, 60, 150 और प्लस 90, 240 प्लस 70, 310, तो एक्स मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा 50 डिग्री, इजंट इट? एक्स मेरे पास आ जाएगा 50 डिग्री। यहां पे फिर से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, 1 to 1 to 125। ओके, अब फिर से मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 125 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 360 डिग्री हो जाएगा, राइट? तो एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो एक्स आ जाएगा मेरे पास 110 डिग्री, इजंट इट? तो यहां पे मेरे पास एक्स आ जाएगा 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ 9 साइड, राइट? तो 9 साइड दी हुई है मेरे पास, इस तरीके से 9 एंगल हो जाएंगे, तो सारे एक्सटीरियर एंगल मिला के मेरे पास होते हैं 360 डिग्री, है ना? तो हर एक एंगल कितना आ जाएगा अगर 9 साइड है? 360 डिग्री बाय 9, इजंट इट? तो ये मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, राइट? तो रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है और ईच इंटीरियर एंगल मुझे फाइंड करना है रेगुलर ऑक्टागन का। अच्छा, सारे इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर मैं लिखूंगा यहां पे, तो ऑक्टागन की कितनी साइड होती है? 8, तो ये लिखूंगा मैं n-2 into 180 डिग्री। सिंस ऑक्टागन की 8 साइजेस होती हैं, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 8-2 into 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 into 180 डिग्री, राइट? तो ये हो जाएगा 600 and 1080 डिग्री, राइट? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अच्छा, तो हर एंगल इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 1080 डिग्री, 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, राइट? तो 8 1 जा 8 3 जा 24 और 8 5 जा, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री, है ना? ईच एंगल आ जाएगा 135 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन हुज एंगल इज 45 डिग्री, इजंट इट? तो हर एंगल दिया है 45 डिग्री, तो मैं मान लेता हूं एन साइड रही होंगी, तो 360 डिग्री बाय एन, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 45 डिग्री, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45, ये हो जाएगा एन, इजंट इट?
जो भी वैल्यू आएगी आप निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से एन आ जाएगा 8, है ना। ओके, अब हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, तो अब हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अभी तक आपने पॉलीगन देखे, पॉलीगन क्या होते थे, ऐसे फिगर्स जो कि लाइन सेगमेंट से बने हो, ये लाइन सेगमेंट स्ट्रेट हो। दो टाइप के पॉलीगन आपने देखे थे, एक था कॉन्वेक्स कॉनकेव, नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस में भी हमने इन्हें क्वालिफाई किया गया था। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, फोर साइडेड पॉलीगन होते हैं, पॉलीगन बोल रहा हूं मतलब स्ट्रेट लाइन से बने होंगे, फोर इनकी वर्टिसेस होंगी और इनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं होते, चार साइड वाले सारे पॉलीगन को मैं क्वाड्रिलेटरल बोलता हूं। ओके, चलिए तो यहां पे मेरे पास चार साइड वाला एक फिगर है। चलो सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री कैसे है, एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री से, एन हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री, या फिर आप क्या करो इसमें एक डायगनल ड्रॉ कर दो। ओके, तो दो ट्राइंगल में बट गया, पहला ट्राइंगल तो ये है ना, पहला ट्राइंगल आपके पास ये वाला आ गया, दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये वाला आ गया। हर एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल आ गया आपके पास 360 डिग्री सारे एंगल्स का सम। ठीक है, ओके, क्या बोला है, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:5:8, इजंट इट, ये हमें दिया गया है। ओके, मैंने बोला है जब भी आपको रेशियो दिया हो तो उनमें एक्स को मिला के आप उनके टर्म्स मान लो। पूछा क्या है मेरे पास, एंगल्स की वैल्यू पूछी है, तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट द एंगल्स बी, एंगल्स को मैं क्या मान लूंगा, 2x, 3x, 5x और 8x, ये मैंने एंगल्स मान लिए। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x सबका सम मिला के मेरे पास आ जाएगा 360 डिग्री, isn't it? 5x, 10x, 18x आ जाएगा मेरे पास 360 डिग्री। ओके, तो x मेरे पास आ गया 20 डिग्री, तो ये तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, एंगल क्या आ जाएंगे, 40, 60, 100 और 160, isn't it? तो ये मेरे पास एंगल आ गए डायरेक्टली। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन देते हैं, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल दिए हुए हैं मेरे पास इक्वल, बाकी एंगल्स हैं 90 और 30 डिग्री। अगेन हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी डालेंगे और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री, है ना। तो ये एक एंगल मान ले रहा हूं एक्स, और दूसरा एंगल भी मैं मान ले रहा हूं एक्स, एक हो जाएगा 90 डिग्री, एक हो जाएगा 360 डिग्री। एक्चुअल फिगर की वैल्यू पे मत जाना, आई मीन एक्चुअल फिगर वो अलग होगा। ओके, तो 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा मेरे पास 360 डिग्री, है ना। तो 120, 2x आ गया मेरे पास 240 डिग्री, तो x आ गया मेरे पास 120 डिग्री, तो हर एक एंगल की वैल्यू आ गई मेरे पास 180 डिग्री। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनको मैंने एंगल्स के बेसिस पे भी क्वालिफाई किया है और इनके लाइंस के भी बेसिस पे इनको क्वालिफाई किया गया है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट, इनको मैंने लाइन सेगमेंट्स के भी बेसिस पे क्वालिफाई किया गया है और एंगल्स के बेसिस पे भी क्वालिफाई किया गया। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनको मैंने लाइन सेगमेंट्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है, एंगल्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया। तो तीन टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हमें बेसिकली पढ़ने हैं, पहला तो है ट्रापीजियम, दूसरा है पैरेललोग्राम और तीसरा है काइट। ट्रापीजियम में एक साइड्स पैरेलल होता है, बाकी बची दो साइड्स अनइक्वल हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, पर बस एक जो साइड्स का पैर है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में दोनों पैर, चार साइड्स हो गई ना, तो दो 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 पैर हो गए, दोनों पैर पैरेलल होंगे, राइट, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी पैरेललोग्राम में, राइट, में कोई भी साइड्स पैरेलल नहीं होंगी पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, याद रखना। ट्रापीजियम इस तरीके से कुछ दिखता है, देखो आपको दो साइड्स पैरेलल दिख रही हैं, बाकी बची दो साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, पर यहाँ दोनों साइड्स जो हैं ऑपोजिट वाली वो पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी।
ये मैंने बना दिया है अनइक्वल साइड्स वाला ट्रापीजियम, तो क्या पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज इक्वल एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, याद रखना। ठीक है, चार साइड्स हो गई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, एबीसीडी में लेता हूं अगर, ठीक है, ये एबी और सीडी पैरेलल हैं एज वेल एज इक्वल हैं। ओके, डायगनल अगर मैं बना दूं, ठीक है, एडी और बीसी भी पैरेलल हैं एज वेल एज इक्वल है, मैं क्या लिख सकता हूं पैरेललोग्राम के बारे में, एबी पैरेलल टू सीडी एंड एडी पैरेलल टू बीसी। एबी इक्वल टू सीडी एज वेल एज एडी इक्वल टू बीसी, आपको दिख ही रहा होगा। और क्या होगा, साइड्स पैरेलल आ गई और इक्वल आ गई तो ऑपोजिट से एंगल क्या हो जाएंगे, अपने आप इक्वल, है ना। आप कर सकते हो क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन वाली प्रॉपर्टीज से, है ना। ये इस तरीके से ऑपोजिट एंगल्स आ गए, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट चतुर। ठीक है, तो पांच प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है पैरेललोग्राम की, पहला तो ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल एज वेल एज डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ए ओ डायगनल हो गया तो ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी। अब हम लोग देखते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस ऐसा फिगर है जहां पे क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम ही है, ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड तो अपने आप इक्वल हो गई, इसकी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है, और हमने देखा उस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ऑपोजिट वाले, ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल और ऑल साइड्स इक्वल, राइट। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है रोम्बस के बारे में, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट, तो ए ओ बी बनाऊं, सी ओ डी बनाऊं या बी ओ सी बनाऊं, ये सारे एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री। तो रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, डायगनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, आप स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सारे एंगल 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी डायगनल, क्योंकि ये अगर पैरेललोग्राम है तो डायगनल तो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर, हर एंगल 90 डिग्री आएगा इसमें। ओके, स्क्वायर, स्क्वायर एक टाइप का रोम्बस है, राइट, स्क्वायर एक टाइप का रोम्बस है, तो सारे साइड इक्वल होंगे, डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ऑपोजिट एंगल इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल, है ना, सारे एंगल 90 डिग्री। ओके, अब हम लोग अगर देखेंगे ट्रापीजियम के बारे में, तो ट्रापीजियम एक ऐसा फिगर है जिसमें एक साइड बस कोई पैरेलल होगा, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगे, तो ए बी पैरेलल टू सी डी आ जाएगा, जैसे बची हुई दो साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी इक्वल हो सकती, तो अगर इक्वल है तो ये पर्पल वाला ट्रापीजियम बनेगा, अगर नहीं है इक्वल तो ये वाला बन जाएगा ब्राउन वाला। ओके, वन पेयर ऑफ साइड अगर इक्वल हो गई, एडी हो गई इक्वल टू बीसी, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलस, आइसोसेलस जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, राइट, क्वाइट एडजेसेंट साइड इक्वल और यहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री बाइसेक्ट। ओके, राइट, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी, कोई भी साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल टू ए डी और बी सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा डायगोनल 90। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, इस टेबल को हम लोग देखते हैं अच्छे से। पहला फिगर है स्क्वायर, फोर इक्वल साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और हर एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का स्क्वायर में, है ना, और है ना। अब डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री पे, सेम लेंथ 90 डिग्री पे, फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें देखना नहीं है। अब अगर मैं देखूंगा रेक्टेंगल के बारे में, तो सेम वही चीज, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, हर एंगल 90 डिग्री और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल एक टाइप का पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल, ऑपोजिट एंगल इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, मीट एट 90 डिग्री, डायगोनल जो है इसके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे,
काइट के भी डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, पर इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, याद रखना काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। ट्रापीजियम में कोई भी दो पैर बस पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे या नहीं पता, दो पैर बस पैरेलल होंगे और बाकी दो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, कोई स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी नहीं। आइसोसेलस की एक पैर इक्वल साइड, एक पैर पैरेलल साइड, ठीक है, इररेगुलर तो वो है ही, कोई भी किसी की, बस इररेगुलर का याद रखो कि इसके चार साइड्स होंगे, ठीक है। यहां पे हमें इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है हमें BEST पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी पता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अब यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो x बराबर x के ऑपोजिट 100 है तो x तो डायरेक्टली आ जाएगा मेरे पास 100 डिग्री, है ना, x आ जाएगा मेरे पास 100 डिग्री, ओके। अब दो साइड पैरेलल है तो ये इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, इजंट इट, तो ये भी आ गया मेरे पास 100 डिग्री। अगर दो साइड पैरेलल है तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ट्रायंगल ट्रांसवर्सल साइड के एंगल सेम साइड पे क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये जेड जो आ जाएगा मेरे पास 80 डिग्री आ जाएगा, इजंट इट, तो जेड हो जाएगा 80 डिग्री। वाई, बिकॉज 100 प्लस जेड विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट इज द रीजन वाई जेड इक्वल टू 80 डिग्री। अब जेड 80 डिग्री है एंड जेड प्लस वाई हो रहे हैं 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, तो वाई आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट 100 डिग्री, इजंट इट, तो इस तरीके से मेरे पास सारे एंगल आ गए, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कि 200 प्लस 2z इक्वल टू 360 डिग्री, इजंट इट, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उससे भी z आपके पास डायरेक्टली 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये RUNS एक पैरेललोग्राम है और हमें फाइंड करना है यहाँ पे y और x की वैल्यू, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो क्या होगा कि 20 हो जाएगा y प्लस 7 के बराबर, इजंट इट, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, और 16 हो जाएगा x प्लस y के बराबर, इजंट इट, कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ आएगी, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ आएगी, ओके। तो वाई मेरे पास आ जाएगा 13 डायरेक्टली और एक्स मेरे पास आ जाएगा 3, एज सिंपल इज दैट, इजंट इट, ओके। रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 4:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर फॉर लेंथ ऑफ ईच साइड। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, ठीक है, अब मैंने बोला है जब भी आपको रेशियो दिया हो तो आप उनको एक्स से मल्टीप्लाई करके वो चीज मान लो, है ना, तो टू साइड्स रेशियो दे, तो मैंने मान लिया ये वाली साइड है 4x, तो ये वाली साइड भी आ गई 4x, मैंने मान लिया ये वाली साइड है 3x, तो ये वाली साइड भी आ गई 3x, पेरीमीटर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, तो अगर मैं पेरीमीटर लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 4x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x, ये दिया है 56 सेंटीमीटर, है ना, तो 7x प्लस 7x मतलब 14x दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, तो x मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, है ना, तो साइड मेरे पास कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये मेरे पास डायरेक्ट साइड आ गई पैरेललोग्राम, ओके। थैंक यू ये लेसन देखने के लिए, आई होप अगर आप आखिरी तक यहां तक आए होंगे, थैंक यू सो मच, और मैं सारे ही लेसन लेके आऊंगा।